हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त आ चुका हूँ एक नए शहर के अंदर, और इस शहर का नाम है न्यूसरन। और अभी मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है नीचे हॉबन हॉफ के, जो इनका मेन बस स्टेशन सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पार्क करके गाड़ी ऊपर, और शहर के बिल्कुल बीचों बीच हूँ। अगर आपको यहाँ पर खाना वाना खाना है आने के बाद, तो आप यहाँ पर एक लिटिल इस्तांबुल रेस्टोरेंट है वैसे खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन भी वहाँ मौजूद है। सामने आपके कोऑपरेटिव मार्केट है। यहाँ से हम जा रहे हैं न्यूसर शहर के अंदर, तो आपको मजीद शहर दिखाते हैं। आइए। मैं ड्रिंक नहीं करता, लेकिन जो ड्रिंक करते हैं यहाँ पर, आपको ड्रिंक ऑफ द वर्ल्ड मौजूद है, तो यहाँ से हम दूर रहते हैं। लेकिन अगर किसी को शौक है पीने का, तो यहाँ पर तरह की तमाम के तमाम ड्रिंक्स मौजूद हैं, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कहीं और नहीं देखा, और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ड्रिंक्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। तो काफ़ी बड़ी चीज़ उधर आई। अगर आपको कभी आना है तो आप यहाँ आके, आपको जो ट्राई करना है हाँ आप कर सकते हैं। ल्यूसरन को आमतौर पर लोग स्विट्ज़रलैंड का सबसे दूर शहर भी कहते हैं, तो आज हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, तो पता चलेगा कि वाकई में क्या ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहर है या नहीं है। देखिए, तो वहाँ सामने सेंट्रल डाउन टाउन है, इधर लेक ऑफ ल्यूसरन मौजूद है। तो अभी यहाँ से हम रोड क्रॉस करके वहाँ उस पर जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आप यूरोप आते हैं और स्विट्ज़रलैंड आते हैं, तो अगर आपने ल्यूसरन विज़िट नहीं किया तो आपने मिस किया, क्योंकि ल्यूसरन जो है वो मेरे हिसाब से यूरोप का हाईएस्ट रेटेड शहर है। देखें तो बहुत ही मिडिवल टाइम की बिल्डिंग्स यहाँ मौजूद है, और जो इस शहर की वाइब है वो मेरे ख्याल से किसी और यूरोपियन शहर में नहीं है। बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक शहर है, लेकिन बहुत क्लीन, साफ़ सुथरा और खूबसूरत शहर है। सामने एक कैथीड्रल है, और सामने वो ब्रिज जो बना हुआ है वो 13th century का, और सामने आपको देखिए माउंटेन का ग्लेशियर का व्यू आता है वहाँ से। न्यूजीलैंड की मैंने तमाम शहर देखे, और ल्यूसरन जो है वो सबसे खूबसूरत शहर है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड आते हैं, यूरोप में आते हैं, तो इस शहर को ज़रूर विज़िट कीजिए।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो वुडन ब्रिज है, ये वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है ल्यूसर्न की, और बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ से पूरे ल्यूसर्न का। ये आप देखिए बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है पूरे ल्यूसर्न का यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत। और ये जो पानी है ये जाता है लेक ल्यूसर्न में यहाँ से, देख सकते हैं वो सामने है हाउबनहॉफ, आप टिची से वॉक करके यहाँ आ सकते हैं ऊपर। तो ये था मेरा आज का ल्यूसर्न का व्लॉग। आप शहर से बहुत अच्छा सामने माउंटेन्स का व्यू देख सकते हैं, वेदर यहाँ पर अमेजिंग है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ, मेरी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ। लोगों ने बार बार मुझसे रोक के पूछा कि आपकी बच्चा हम ले लेते हैं, तो काफ़ी लोग अच्छे हैं यहाँ पर, आपसे मुस्कुरा के मिलते हैं, बातें करते हैं। तो मेरी अगेन रिकमेंडेशन यही है कि आप ज़रूर आएँ यहाँ पर इस शहर के अंदर। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं होगी मेरे चैनल के ऊपर तब तक मेरे व्यूज़ ही बढ़ेंगे और मेरे चैनल को आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू।